आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बाइसेप्स की आप थिकनेस को आप बाइसेप्स का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत जल्दी से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले वार्मअप करना है आपको, कोई भी एक लाइट डंबल लेके मैक्सिमम रेपिटेशन से वार्मअप शुरू करेंगे। ये वार्मअप के लिए लंबे रेपिटेशन निकाल लें और कोशिश करें कि दोनों हाथों को इक्वली लगातार चलाते रहें। वन बाय वन चलाइए, हवा में रखो, दोनों हाथ हवा में रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे चलते रहेंगे, ऑल्टरनेट कर लेंगे। ये यहाँ से इसका पूरे वार्मअप हो जाएगा। तो हमें ब्लड का सर्कुलेशन बाइसेप्स में बढ़ाना होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पहले तो सबसे पहले आपको वार्मअप करना होगा ताकि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए और उसके बाद पर्टिकुलर ब्लड को आपके बाइसेप्स में आ जाए। इसके लिए बैक बाइसेप्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स बाइसेप्स के पास पहुंचेंगे, जिससे आपकी मसल्स जो है वो पंप करके वार्मअप करने तैयार हो जाएगी और इसके बाद आपको वेट उठाने में आसानी रहेगी। थैंक यू। इसके बाद हम पहली एक्सरसाइज लेंगे बारबेल कर्ल। इसका तरीका ये होता है, आइए कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसमें रेपिटेशन 12 रखेंगे, 12, 10 और 8। तो पहला जैसे पहला सेट है तो उसमें हम लोग इसके सिर्फ 12 रेप निकालेंगे विदाउट एनी सपोर्ट, और जितना आपका लास्ट वेट है उससे आप 5-5 किलो का इसमें गैप रखेंगे, हर सेट में 5 किलो वेट बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपकी फुल टू एंटरप्राइज हो जाएगी। इसमें फुल टू आपका ये फटीग होने लगेगा, पूरा भर जाएगा, लेकिन यहाँ ये पूरा मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ हाथ लगा के, तो यहाँ पे पूरा प्रेशर आ रहा है, इस तरह पंप मसल पूरा पंप कर रहा है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट सेट पे इसमें आप 2.5 किलो वेट बढ़ाओगे और उसके बाद फिर 5-5 किलोमीटर बढ़ाओगे और रेपिटेशन आपके कंपेरेटिवली धीरे धीरे वो डाउन हो जाएंगे, ठीक है। मेरा जो फेवरेट शेड्यूल है वो ये है कि मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को सुपर शेड्यूल में लेता हूँ। उसका कारण यह होता है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाए ताकि हमारी मसल्स डैमेज होने से बच सके। तो हम बाइसेप्स के साथ इसके साथ सुपर में हम लेते हैं ओवर हेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन एक्सरसाइज। आइए, सेम रेपिटेशन रहते हैं लेकिन इसमें आपको क्या करना है, कानों के साथ मिलाना है इसको, कानों में लगाओ और एकदम ऐसे सीधा करना है और यहां फोकस करना है आपको आउटर ड्राइव में और ये पूरा आपको आइसोलेट करते हुए पूरा आखिर तक रेपिटेशन निकालना है। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी है और साथ साथ ये ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपका आइसोलेशन भी हो रहा है, साथ साथ आपका कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और दोनों मसल्स में ये बिल्कुल सेम इफेक्ट डालती है, आउटर ड्राइव में भी और इनर ड्राइव में भी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वही 10-12 रेपिटेशन, उसके बाद फिर वेट इंक्रीज करेंगे और फिर 10-12 के बीच में 12 रेपिटेशन के बाद 10 और फिर 8 रेपिटेशन। इससे हमारा देखिए अब यहाँ दोनों तरफ से पूरा मसल जो है वो पूरा भर गया है, हाथ लगाने से फील हो रहा है, ब्लड का पंप इसमें पूरी तरह से बढ़िया वाला आ गया, फटीक हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम इसके साथ लेंगे वो हमने अभी कॉन्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज दी है, अब हम आइसोलेशन लेने जा रहे हैं। पिछले कल एक आइसोलेटेड एक्सरसाइज है जो आपकी बाइसेप्स की बाइसेप ब्रेचिज जिसको बोलते हैं, बाइसेप्स की पिक बनाती है। आइए, पिछले कल आप दोनों तरह ले सकते हो, आप नीज पे रख के दोनों कोहनियों को नीज पे रख के भी ले सकते हो और देखिए जैसा यहाँ आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्योंकि मसल्स पूरा फटीग हो गया है और पंपिंग बहुत ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा मसल्स आइसोलेट होता है, कम नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही नॉर्मल होगा वार्मअप नॉर्मल होगा तो ये खाली बॉल बॉल इसमें दिखाई देगा। तो ये बाइसेप्स का पिक बनाने का बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, यहाँ आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं। टिल फेलियर रेपिटेशन निकालिए, टिल फेलियर का मतलब ये है कि आप ऑब्वियसली 8 के बाद आप नहीं निकाल पाएंगे तो 2-3 रेपिटेशन आप सपोर्ट से निकाल सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, होल्ड करना है ऊपर लाइए और यहाँ जितने पल आप रोक सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल्ड करना है। थैंक यू। ट्राइसेप्स में जो आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया वहां हम आइसोलेट कर रहे हैं मसल्स को और ट्राइसेप्स में जो आइसोलेशन या कटिंग की एक्सरसाइज है तो देखिए आप ये केबल पुश डाउन है और केबल पुश डाउन में आपको दोनों हाथ कमर के साथ चिपका लेते हैं और यहाँ से आपको ये जो आपकी कैविटी है ये प्रॉपर बननी चाहिए, जो अभी बहुत कम बन रही है लेकिन धीरे धीरे कटिंग बढ़ती जाएगी और ये कैविटी अंदर से पूरी आती चली जाएगी। चलाते रहिए, पूरा आइसोलेट कीजिए इसको, टिल फेलियर रेपिटेशन निकालेंगे, लेकिन टिल फेलियर का मतलब है कि वही 10 से 12 के बीच में आपका मसल पूरा तरह से ट्रायड हो जाना चाहिए। टिल फेलियर का मतलब है लास्ट मोमेंट तक एक रेपिटेशन निकालिए, आपका पार्टनर आपको हल्की फुल्की सपोर्ट देंगे और इसको पूरी तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता है। ओके, थैंक यू। जैसा आप दिखाइए, जैसा आप देख पा रहे हो
अभी कुछ ही पलों में देखिए आप बाइसेप्स का साइज कितना प्यारा, जैसे मैंने आपको कहा था कि पिक्चर में आपको बॉल का आइसोलेशन कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आके बॉल का आइसोलेशन प्रॉपर आने लग गया है। बहुत अच्छी से बॉल आपको नजर आ रहा है, बाइसेप्स ब्रैची आपको नजर आ रही होगी। इसमें थर्ड एक्सरसाइज जो है वो मैं लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ साइज के लिए वर्कआउट करा रहा हूँ, तो मैं एक्सरसाइज लूंगा हैमर कर्ल। हैमर कर्ल बहुत बेस एक्सरसाइज है, दोनों तरह से काम करती है, थिकनेस बढ़ाने के लिए भी और आउटर बाइसेप्स के लिए भी। चलिए हैमर कर्ल, बिल्कुल जैसा कि नाम से आपको मुझे हो रहा होगा कि हैमर, जैसे आप हथौड़ा चलाते हो तो हथौड़ा अपन ऐसे चलाते हो तो हथौड़े के जैसे अपने हथौड़े का मूवमेंट है उसी तरह से आपको डंबल्स को पकड़ के चलाना है। ये आप मुझे दिखाने में आसानी रहेगी, थोड़ा यहाँ से चिपका के चलाना है। इसको दोनों तरह से ले सकते हैं, इनर भी ले सकते हैं और इसको आउटर भी आप ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके बाइसेप का शेप कैसा चल रहा है। अगर बाइसेप का शेप इंटरनल है तो इसको आउटरनल लेना है डंबल को आपको, अगर आउटरनल ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा इंटरनल लेके इस बाइसेप्स का आप थिकनेस बढ़ा सकते हो, ताकि जब भी आप इसको बाइसेप्स को दिखाएंगे, यहाँ जब आप बाइसेप दिखाएंगे इस तरह से, तो बाइसेप्स का जो ये नीचे वाला पार्ट है ये बिल्कुल आपका सेपरेट, देखिए यहाँ सेपरेट नजर आ रहा है। तो ये हैमर कर्ल बाइसेप्स का हेल्प करेगा और ट्राइसेप्स के लिए इसमें हम आइसोलेट करेंगे किकबैक एक्सरसाइज से, दो छोटे नंबर लेंगे और ये कंप्लीट आइसोलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें आपको आगे झुकना है, कोनियों के साथ मिलाना है और सेम ट्राइसेप को पीछे पुल करना है, पूरा पुल करना है। ये एक्सरसाइज की खास बात यह है कि ये सिर्फ लाइट वेट से ही करना है आपको, क्योंकि अगर हैवी वेट होगा तो वेट को सारा आपका वेट मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ टिल लास्ट, जैसे मैंने बताया था कि ट्राइसेप्स की कैविटी बनने तक, पूरा अंदर तक जाने तक इसको आप पुल कर सकते हो, मोर देन मोर कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हो। ये तीन एक्सरसाइज आप कीजिए, आपको आइसोलेशन के साथ मसल्स का साइज, थिकनेस सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।